أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear student। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास बी ए पार्ट वन पोएम से दिस सिटी हैज 10 मिलियन सोल्स। उसका आज थीम रीड आउट करेंगे, थीम ऑफ द पोएम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इनमें से जो कोई भी जो है वो आ जाए आपको क्वेश्चन, तो आपने यही राइट करना है जो मैं जो है वो अब रीड आउट करने लगा हूँ। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। द बेसिक थीम ऑफ द पोएम, जो बुनियादी थीम है पोएम का, इज़ द सेंस ऑफ इस्ट्रेंजमेंट्स, अलहदगी का एहसास है, ऑफ द इमिग्रेशन यानी कि ऑफ द इमिग्रेंट्स, तारकीन वतन का, विच दे फेस इन अ न्यू कंट्री, विच दे फेस जो इनको सामना करना पड़ा नए मुल्क में। द पोएट लैमेंट्स, अफसोस करता है, मातम करता है, एट द इनह्यूमन, ना इंसानी सलूक का, विच द इमिग्रांट्स, जिसमें जो है तारकीन वतन, मीट एट द हैंड्स ऑफ द लोकल पीपल, मीट मिलते हैं एट द हैंड्स, हाथों में, ऑफ द लोकल पीपल, आम लोगों में, यानी कि जो है ये द रिफ्यूजीज, पनाहगज़ीन, डू नॉट इंजॉय, इंजॉय नहीं करते, यानी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, कोई भी जो है वो ना इनको इज्जत हासिल है, एंड हॉनर इवन इन द कंट्री, मुल्क में, लाइक अमेरिका में, जैसा कि अमेरिका। द पोएट रेफर टू द केस ऑफ द ज्यूज हु माइग्रेटेड टू अमेरिका ड्यूरिंग, हवाला देता है टू द केस ऑफ द ज्यूज, यहूदियों का, जो माइग्रेट, हिजरत करके आए अमेरिका में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड में, बट दे वर नॉट ट्रीटेड वेल, लेकिन इनका जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो इनके साथ सलूक ना किया गया बाई लोकल जो है वो पॉपुलेशन, आम आबादी में। दे वर नॉट गिवन एनी प्लेस ऑफ शेल्टर, ना इनको कोई जो है पनाह दी गई टू लिव रहने के लिए। दे वर रिफ्यूज टू हैव अ न्यू पासपोर्ट, उनके जो है वो न्यू पासपोर्ट उनको भी जो है वो इनकार कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है टू गो बैक टू देयर कंट्री, अपने मुल्क में चले जाएँ। द प्रेस, द पॉलिटिशियंस और जो सियासतदान, एंड द पीपल ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के लोग वार अगेंस्ट देम, इनके खिलाफ थे। दे कंसीडर देम ए, वो इनको जो है वो एक बोझ समझते थे। द जू यहूदी वार लुक डाउन अपॉन, उनको हवारत की नगाह से जो देखा जाता था। एवरी हर तरफ दे लाइफ, इनकी जिंदगी वार वोस देन एनिमल, जानवरों और परिंदों से भी बदतर थी। देवर कीप इन रिफ्यूज, उनको जो है वो महाजन के कैंपों में रखा जाता था। इफ़ दे ट्राइड, कोशिश करते उन कैंपस को जो है वो छोड़ने के लिए। दे वार सर्च आउट एंड ब्रॉट बैक, उनको तलाश करके वापस लेकर आया जाता बाय द सोल्जियर, सिपाही लेकर आते टू देयर कैंप, इनके कैंपों में। इन दे इस तरह देयर सेंस ऑफ, इनकी जो है वो इज्जत वार बैडली वॉन्टेड, बुरी तरह, यानी कि जो है वो वॉन्टेड मीन का मतलब होता है तबाहकुन। द आइडिया ऑफ द पोएम, ये जो आइडिया पोएम का, इज़ दैट मैन हैज़ बीन शैकल्ड, इसका मतलब होता है कैद होना, इन मैनी जो है बहुत सी चेन जंजीरों में, इवन इन मॉडर्न एज, दी दौर में। देर आर चेन चेन सी ऑफ रेस की, कौमियत की, और जो है वो मज़हब की। ही इज माल ट्रीटेड, बुरा सलूक होता, एंड टॉर्चर्ड, उनको जो है वो तकलीफ़ दी जाती है, एट द हैंड्स, हाथों से, ऑफ हिज फैलो, साथी मैन आदमियों से, फार जो है वो एक नस्ली और जो है वो मजहबी इम्तियाज की बिना पर। लाइफ हैज़ फॉलन बीनीथ, जिंदगी इनके लिए बहुत नीचे थी, कि जानवरों के लेवल से भी नीचे। द फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस, एहसास, तजर्बात ऑफ द जूस स्ट्राइक ए सिंपैथिकल नॉट इन ओवर हर्ड। द पोएम गिव्स अस द मैसेज, पैगाम देती है, ऑफ ह्यूमन सिंपथी, इंसानी हमदर्दी का, फॉर ऑल द तमाम जो है वो सियासी पनाहगज़ीन का, ऑफ मॉडर्न एज, जदीद दौर के, इरिस्पेक्टिव, बिला इम्तियाज ऑफ देयर रेस, बिला इम्तियाज किसी भी जो है वो लिहाज से, ज़ात के लिहाज से, एंड रिलीजन, और जो है वो मज़हब के लिहाज से। इतना काफ़ी है, ये तो था बेटा जो है वो आज का क्वेश्चन क्लास बी ए पार्ट वन पोइम का, जो मैंने आपको मेन थीम रीड आउट करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्ला, अस्सलामु अलैकुम।